आज का प्रातः क्लास है। चार आठ 1964 रिकॉर्ड चला है, हमें उन राहों पर चलना है जहां गिरना और संभलना है। चढ़ना है कि नहीं? चढ़ना भी है, फिर तूफान आते हैं तो गिरना भी है और फिर संभलना भी है। जब गीत बजता है तो बच्चे समझते हैं कि हमारे लिए इन गीतों में भी ज्ञान भरा हुआ है। अज्ञानी मनुष्य के लिए अज्ञान है और हमारे लिए इन गीतों में भी ज्ञान भरा हुआ है। ज्ञानी तो आत्मा के लिए ज्ञान है, अज्ञानियों के लिए अज्ञान है। तो ये रिकॉर्ड ज्ञान के लिए ही रखे हुए हैं। समझते हो बरोबर माया के तूफानों में कब गिरना है कब चढ़ना है? ये भी जानते हैं कि माया के तूफान ही गिराते हैं, फिर ईश्वर बाप आकर के चढ़ाते हैं। अर्थात गिरे हुए को ज्ञान संजीवनी बूटी देते हैं। कहाँ से आती है संजीवनी बूटी ज्ञान की? ये शास्त्र में कुछ ज्ञान है, कोई कथा है? नहीं है। क्या कथा आई है संजीवनी बूटी की? हनुमान संजीवनी बूटी ले आया। कहाँ से लाया? नीचे से लाया या ऊपर से लाया? ऊंची स्टेज से लाया माने पहाड़ से लाया। तुम्हारी ऊंची से ऊंची स्टेज कौन सी है जहाँ से ये संजीवनी बूटी आती है? लाने वाला है ऊंचे से ऊंचे बाप। कहाँ से आती है? परम धाम। तो संजीवनी बूटी देते हैं। अगर कोई काम के तूफान में आ जाते हैं तो अंदर ही अंदर गिर जाते हैं। फिर तूफान क्रोध का भी लगता है तो भी गिरना ही होता है। ये गिरना और चढ़ना होता ही रहता है। गाया जाता है, चढ़े तो रचा के अमृत रस, गिरे तो चकनाचूर। तो अब ये गीत सिवाय तुम्हारे और किसी के साथ लग नहीं सकता है। ये तुम्हारे ऊपर ही लागू होता है। सन्यासियों पर भी लागू नहीं हो सकता। बलवनों के पास भी कच्चे सन्यासी होंगे, परंतु आखिर उनको मंजिल नहीं है। तुम्हारे पास तो अहम ऑब्जेक्ट है, मंजिल है। कौन सी मंजिल है?
तुम्हारे पास है माध्यक्ष है नरसे नारायण बनने की और मंजिल है जहाँ तुम्हें पहुँचना है परमधाम बाप का घर। तो तुम्हारी तो जबरदस्त बड़े से बड़ी मंजिल है, तो चार तीर्थ करके वापस लौट आवेंगे। करके वेद शास्त्र पढ़ करके विद्वान बन जाते हैं, बाकी उनके पास राजा ही आदि की कोई मंजिल नहीं है। कितनी पढ़ाइयां पढ़ते हैं, बहुत करेंगे, डॉक्टर बन जाएंगे, मिनिस्टर बन जाएंगे, इंजीनियर बन जाएंगे, कोई बड़े कारखाने के डायरेक्टर बन जाएंगे, परंतु इस पढ़ाई में तो बड़ी ऊंच मंजिल है, बच्चे जानते हैं, हमको बेहद का बाप दादा पढ़ाते हैं, मम्मा भी पढ़ाती है, फिर बच्चे भी पढ़ते हैं और पढ़ाते भी। तुम बच्चे हो डाडे के पोत्रे, अमृतसर में डाडे पोत्रे होते हैं जो गद्दी पर बैठते हैं, धर्म की बात है, सिख धर्म की बात बताई, सिख धर्म से टैली क्यों किया, इतने सब धर्म हैं ढेर के ढेर, उनमें सिख धर्म ही है जो देवी देवता सनातन धर्म का पैरेलल चलने वाला है। कहेंगे गुरु नाथ जनक का बच्चा फलाना, फिर उनका बच्चा फलाना, ऐसे डाढ़े पोत्रे होते हैं ना, फिर कहेंगे ये सातवीं पीढ़ी और ये दसवीं पीढ़ी है। टैली किया है, सत्युग की आठ गद्दियों से टैली कर दिया, जो आठ गद्दियों में आठ नारायण होंगे वो एक के बाद एक बच्चा बनता जाएगा। तुम समझते हो कि सत्युग में भी पीढ़ी चलती है, देवताओं की पीढ़ी, पहली पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी, या फिर संगम युग में तुम्हारी पीढ़ियां नहीं है, एक दादा है, एक बाबा है, एक मम्मा है और बच्चे बच्ची हैं, बस दादे पोत्र से आस्ती आगे जास्ती कुछ भी नहीं कहेंगे। तो अब ये याद करना तो अच्छा है, हम भी केव कुमार कुमारियां हैं, ब्रह्मा हमारा हुआ बाबा और डाडा है शिव, उनसे मिल्कियत मिलनी है, कितनी सहज बात है। हम डाडे हैं, पोत्रे ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं,
और ब्रह्मा एक ही बच्चा है शिव का। ऐसी नहीं कहेंगे हम विष्णु कुमारी अथवा शंकर कुमारी है। क्या कहा? ब्रह्मा किसका बच्चा है? ब्रह्मा है शिव का बच्चा। प्रजापिता शंकर को व विष्णु को तो नहीं कहेंगे। प्रजापिता एक ही ब्रह्मा को कहा जाता है। कौन सा ब्रह्मा है? मुकर्र रथ को कहा जाता है। बाबा बहुत सहज करके समझाते हैं, ब्रह्मा है शिव का बच्चा। और शिव है स्वर्ग का रचयिता। क्या कहा है? शिव बाबा नहीं कहा? शिव बाबा नहीं कहने से नहीं चलेगा। शिव है स्वर्ग का रचयिता, वो है वर्षा देने वाला। यहां शिव बाबा क्यों नहीं कहा है? क्या कारण है? साकार के मेल को बाबा कहा जाता है। और जब तक साकारी स्टेज है तो रचयिता स्वर्ग का बन सकता है? स्वर्ग का रचयिता नहीं कहेंगे जब तक निराकारी स्टेज परमानेंट न पकड़े। कौन? मुकर्र रथ। तो शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा ब्रह्मा कुमार कुमारियों को कहते हैं कि मुझे याद करते रहो। क्या? शिव बाबा ये नहीं कहा कि स्वर्ग का रचयिता है। रचयिता कौन है? जो निराकारी स्टेज में रहने वाला है सदैव। बच्चों को पढ़ाने का काम मुख से किया जाता है तो मुख से कहते हैं मुझे याद करो। ये नहीं कहा कि सिर्फ निराकार को याद करो। ब्रह्मा एक लाड़ला बच्चा शिव का है। तो एक दादा निराकार, एक उनका बच्चा साकार प्रजापिता ब्रह्मा। ऐसे बोलने में क्या गलतफहमी हो जाती है? जो तथाकथित ब्रह्मा कुमार कुमारी गलतफहमी उठाई लेते हैं कि ब्रह्मा एक लाड़ला बच्चा है शिव का। है? वो किसके लिए समझ लेते हैं? वो दादा लेखराज ब्रह्मा के लिए समझ लेते हैं। तो एक दादा है निराकार, वो निराकार का अर्थ क्या समझते हैं?
वो निराकार का अर्थ समझ लेते हैं बिंदी, परंतु बिंदी कोई निराकार नहीं। निराकार जैसे इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक धर्म पिताएं हुए प्रैक्टिकल स्टेज में, तो एक उनका बच्चा साकार पूजा पिता ब्रह्मा। फिर उनकी है ब्रह्मा कुमार कुमारियां, और तुम भी के बने हो शिव से वर्षा लेने के लिए। चार आठ 1964 की वाणी का दूसरा पेज। शिव बाबा कहते हैं कि ऐसे ऐसे करके तुम कोई को भी समझाओ, परंतु याद जरूर शिव बाबा को करना है, जिससे स्वर्ग का वर्षा मिलता है। क्या स्वर्ग का वर्षा किससे मिलता है? शिव बाबा से मिलता है। शिव बाबा ही हमको पढ़ाई पढ़ाने वाला है। शिव बाबा के सिवाय और कोई को याद करेंगे तो नरक का वर्षा मिलेगा। क्यों है? अरे कारखाना बनाने वाला होगा तो कारखाने का वर्षा देगा, मकान बनाने वाला बाप होगा तो काय का वर्षा देगा, मकान का ही वर्षा देगा। और ये बाप, ये वेद का बाप स्वर्ग बनाने वाला है, एक ही बाप है जो नरक की दुनिया को स्वर्ग बनाता है और बाकी सब नरक नरक ही बनाते हैं। तो उनको कोई को भी याद करेंगे तो नरक का ही वर्षा मिलेगा। ये तो बड़ी समझ की बात है। और वर्षा बाप से नहीं मिलता है, किससे मिलता है? दादे से वर्षा मिलता है। बाप का वर्षा बच्चे से मिले, बच्चे को मिले या न मिले, लेकिन दादे का वर्षा जरूर मिलेगा। परंपरा में भी ऐसे ही भक्ति मार्ग में चला आया है। ये परंपरा कहां से पड़ी, कैसे? वो तथाकथित ब्रह्मा कुमार कुमारियां किसके लिए बैठे हैं वर्षा लेने के लिए? उन्हें किससे वर्षा मिलता है? ब्रह्मा से वर्षा मिलता है। यहाँ कोई वर्षा मिला ब्रह्मा से? आप मिल रहा अटल करके जा रहे हो, आप फेल होते हुए जा रहे हैं, बिल्कुल सही। और ब्रह्मा ने शरीर छोड़ दिया तो ब्रह्मा की जगह ब्रह्मा की गद्दी मिल गई, ये भी एक वर्षा हो गया। फिर सतयुग में ब्रह्मा का वर्षा पावेंगे या नहीं पावेंगे? वहां भी पावेंगे। बाकी फर्क क्या रहा, सतयुग का वर्षा ऊंचा या संगमयुग का वर्षा ऊंचा? संगम का वर्षा डायरेक्ट बाप से मिलता है। तो स्वर्ग का रचयिता वो ज्ञान दाता है, शिव बाबा सुनाते हैं ब्रह्मा द्वारा, फिर ये ब्रह्मा भी सुन लेते हैं। भी क्यों लगा दिया है? और भी सुनने वाले हैं। हाँ, वो
प्रजापिता ब्रह्मा तो सुन ही लेता है, लेकिन फिर साथ में ये दादा लेखराज ब्रह्मा भी सुन लेते हैं। ब्रह्मा की फिर पहली पहली सच्ची सरस्वती गाई हुई है, ब्रह्मा कुमारी सरस्वती जगदम्बा कितनी गाई हुई है। ब्रह्मा से भी जास्ती शिव बाबा से वर्षा लेती है। क्या बच्ची किसकी है? बच्ची भले ब्रह्मा की है, लेकिन ब्रह्मा से भी जास्ती वर्षा शिव बाबा से लेती है। इसलिए पहले लक्ष्मी फिर नारायण गाया जाता है। तुम जानते हो हम जगदम्बा और जगत पिता की बच्चे ठहरे, तो क्यों ना हम दादा से वर्षा लेवे। हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां, दादा और पोत्रे पोत्रियां हैं, बस हमारी कोई दूसरी तीसरी पीढ़ी नहीं है। पर पोत्रे तर पोत्रे कुछ भी नहीं है। तो दादा को कौन नहीं याद करेगा? ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाए और दादा को याद न करे, उनको कितना महामूर्ख कहेंगे। हमारे पास ऐसे भी मूर्ख हैं जो दादा को याद ही नहीं करते हैं। जितना याद करेंगे उतना विक्रम विनाश होंगे। तुम कोई को भी समझा सकते हो कि शिव परम पिता परमात्मा है जो स्वर्ग का रचयिता है और बरोबर रचते हैं ब्रह्मा द्वारा। क्या रचते हैं? है? स्वर्ग रचते हैं। इसके द्वारा ब्रह्मा तो सही छोड़ गए। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा नरक की दुनिया को स्वर्ग बनाते हैं। फिर बी के कुमारियों को ब्रह्मा द्वारा कहते हैं कि मुझे और बच्चे को याद करो। देह के साथ संबंधों को भूल जाओ। कहा जाता है ना, आप मुए मर गई दुनिया। आत्मा शरीर से अलग हो जाती है तो कुछ भी नहीं रहता है। सारा देह का अभिमान निकल जाता है। हम बाबा के पास जाते हैं, फिर हम गोरा बनेंगे, अभी हम श्याम हैं। तो देखो ये श्याम और सुंदर बनने का नाटक है। कहाँ चलता है? संगम युग में चलता है। ऐसे नहीं कि कलयुग में श्याम है और सतयुग में सुंदर बनेंगे। वो भी के लोग क्या समझ लेते हैं? हैं? वो सतयुग में सुंदर समझ लेते हैं और यहाँ समझते हैं कि हम श्याम। श्याम सुंदर एक ही व्यक्तित्व का नाम है या दो पर्सनालिटीज का नाम है? एक पर्सनालिटी है तो एक ही टाइम पर होगी ना। आत्मा ही प्योर हसीन बनती है। अभी तुम्हारी आत्मा आयरन एज बन गई है। खुद को शरीर भी ऐसे ही है। सतयुग में तुम गोरे थे,
तो ऐसे कालों को बोरा किसने बनाया? एक ही हसीन मुसाफिर है जो आते हैं बोरा बनाने के लिए। उस मुसाफिर की अपनी आत्मा तो सदैव ऐसी है, सदैव गोरी ही है। उनकी आत्मा तो कभी काली बनती ही नहीं। क्यों नहीं बनती है? क्योंकि वो तो अभोक्ता है, भोगते भोगते हमारी आत्मा काली बन जाती है। उनकी आत्मा में कब खाद नहीं पड़ती है? क्यों नहीं पड़ती? अरे क्योंकि वो तो जन्म मरण के चक्र में नहीं आते हैं। कितना सहज करके समझाते हैं, फिर भी ऐसे डाले को भूल करके हार कती देकर जाने कहां चले जाते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं महान ते महान मूर्ख, और फिर सयाने से सयाने देख ले हो तो यहां देखो। और मूर्ख भी ऐसे हैं जो इतनी सहज दो बातें भी नहीं समझ सकते। सिर्फ समझना है हम आत्मा है, और वो निराकार परमपिता परमात्मा हमारा दादा है। ये प्रजापिता ब्रह्मा तो नामी ग्रामी है ना, कायम है नामी ग्रामी। कहाँ है नामी ग्रामी? भक्ति मार्ग में शास्त्रों में उसका नाम प्रजापति के रूप में नामी ग्रामी है। उन द्वारा शिव बाबा से वर्षा देते हैं। अगर बीके को छोड़ा तो दादे को भी छोड़ा। परिवार भी जरूर चाहिए, बाप पसंद और परिवार पसंद भी बनना है। दादे को छोड़ा तो वर्षा खलास। बाबा कितना सहज करके समझाते हैं। हमें बी के ब्रह्मा कुमार कुमारियां, ब्रह्मा विष्णु शंकर है सूक्ष्म बतनवासी, उसमें भी ब्रह्मा को प्रजापिता कहते हैं। तो सूक्ष्म बतन में सृष्टि मनुष्य की नहीं होती, हो सकती। और शंकर को अथवा विष्णु को प्रजापिता नहीं कह सकते हैं। क्यों नहीं कह सकते है? क्या अंतर है शंकर में और प्रजापिता में? कोई अंतर है या नहीं है? प्रजापिता सूक्ष्म बतनवासी नहीं होता। जहां 500 करोड़ की प्रजा है वहां प्रजापिता है। दूसरी बात, प्रजापिता है तो उसमें ऐसे नहीं कहेंगे कोई दूसरी आत्मा प्रवेश है, संकरण है। नहीं, हाँ, जब संकरण होता है तो शंकर है। कृष्ण की सोल प्रवेश करती है ना, शिव की सोल प्रवेश करती है ना, तो संकरण का नाम शंकर है। फिर वो प्रवेश करते हैं तो अपने संकल्प चलावेंगे या प्रजापिता के साकारी संकल्प चलेंगे? है, वो तो अपने संकल्प चलावेंगे।
फिर तो मनन चिंतन मंथन में वो आत्मा मस्त हो जाती है। मनन चिंतन में मंथन में मस्त होना हो जैसे कि सूक्ष्म बतनवासी है। तो प्रजापिता तो जरूर यहाँ ही होगा। कहते ब्रह्मा के मुख कमल से ब्राह्मण निकले, ब्राह्मणों से पूछो तुम किसकी बिंब वंशावली हो, जिससे गायन हो गया है भक्ति मार्ग में, ऐसे है नहीं कैसे कि वो ब्राह्मण जो भक्ति मार्ग में ब्राह्मण कहे जाते हैं वो ब्रह्मा की संतान है। प्रतिकल में ब्रह्मा की संतान है नहीं है, ऐसे ही कह देते हैं, ऐसे हैं तो नहीं। अभी तुम जानते हो परमपिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण देवता क्षत्रिय धर्म स्थापन करते हैं, वो तो जरूर करेंगे संगम युग पर। संगम युग में ब्राह्मण जरूर चाहिए, कलयुग अंत में है शूद्र। तुम बच्चों को कितना अच्छी रीति समझाया जाता है, इस समझाने यही श्रीमत है। और ये श्रीमत तो मशहूर है, गाया हुआ भी है श्रीमद् भगवत गीता। उसे क्या बनना होता है, श्री ने ज्ञान सुनाया होगा तो जरूर श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनाया होगा। अभी तुम प्रैक्टिकल में ब्रह्मा कुमार कुमारियां बने हो तो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ देवताओं को नहीं कहेंगे, किसको कहेंगे? पुरुषोत्तम संगम युगी चोटी समान ब्राह्मणों को श्रेष्ठ से श्रेष्ठ कहेंगे। तुम कहते हो बापा दादा हम कल पहले भी आपसे मिले थे, हम डाढ़े से अपना वर्षा लेने के लिए आए थे। अच्छा उस वर्षा से तुम क्या बने थे, सूर्यवंशी चंद्रवंशी बने? नारायण को मरा था या राम को मरा था? कहते हैं बाबा हमको इतने मूर्ख थोड़े ही है जो राम को बरे, हम तो श्री नारायण को बरेंगे। परंतु फिर भूल जाते हैं, जो इतना लायक बनाते हैं उनको भूल जाते हैं। दादे को बाप को भल कोई न भूले, या तो झट फारकति दे देते, याद ही नहीं करते, ज्ञान के दो अक्षर भी धारण नहीं करते हैं। ऐसे नहीं समझते कि हम सतगुरु पुत्रे अथवा डाढ़े पुत्रे हैं। उसे क्या लेते हैं पुरुषार्थ से, लौकिक बाप का वर्षा अथवा प्रॉपर्टी तो बांटी जाती है। क्या था लौकिक बाप शरीर छोड़ देता है तो उनका वर्षा या प्रॉपर्टी को बच्चे क्या करते हैं, बांट लेते हैं। यहाँ तो ये बांटने की चीज ही नहीं है, क्या कि सबको बराबर बराबर मिल जाएगा? कितना मिलेगा? इसमें तो पुरुषार्थ करना पड़ता है। यहाँ कोई मून आदि में प्लाट खड़ा नहीं करना है कि भाई पुरुषार्थ करके जो जितना ऊंचा डालेगा वो मून पर प्लाट पहले खरीद लेगा, नहीं।
यहाँ तो तुम राजा ही के मालिक बनते हो, तो भी एक जन्म के लिए नहीं, जन्म जन्मांतर के लिए भी बन सकते हो। पार्ट तो राजा ही का यहाँ ही लेना है, बाकी मोनाद में जाने की बात नहीं है। इसको साइंस का घमंड कहा जाता है, अति घमंड में आते हैं तो अति घमंड में जाने से फिर विनाश को प्राप्त करते हैं। अभी देखो क्या क्या निकल पड़ा है, हजारों लाखों माइल की ऊंचाइयों तक जाते हैं, उनको मालूम पड़ता है अभी ये कहां तक पहुंचे हैं, ऊपर चंद्रमा में क्या है वो भी जान जाते हैं। कहां तक से वो चंद्रमा में शिफ्ट करेंगे, क्योंकि चंद्रमा तो शीतल है, 4/8/1964 की वाणी का तीसरा पेज। सूर्य के आगे जाने से तो जल जावेंगे, परंतु देखो घमंड कितना है। घमंड में आकर के नाम भी रखा है रॉकेट, क्या नाम रखा है, क्या मतलब रॉक, मतलब चट्टान, रॉक माने चट्टान, और इट ये क्या है, ये पत्थर बुद्धियों की चट्टान की जानकारी है, बाबा ने समझाया है। ये तुम्हारी आत्मा ही सबसे बड़ी रॉकेट है तो एक ही बिंदी, तुम्हारी इस बिंदी का क्या बदल होगा, उस राख चट्टान का तो कितना बदल होता है, परंतु इस छोटी सी बिंदी में कितनी नॉलेज है और कितनी तीखी है, एक सेकंड में कहां से कहां उड़ जाती है। बाबा को याद किया और सेकंड में ये उड़ी, ये बातें तो सुरूढ़ बुद्धि ही समझ करके समझा सकते हैं, और आगे चल करके बहुत समझाएंगे। शिव बाबा भी बिंदी है, लिंगम स्वरूप कहने से सन्यासी आदि कहेंगे इतनी बड़ी आत्मा तो होती नहीं है, न परमात्मा ऐसे होता है, नाम ही है ज्योतिर्लिंगम। तो फिर कहते हैं परमात्मा तो ब्रह्म है, कुछ भी नहीं समझ सकते। जब तक कोई सन्मुख आए न समझावे तब तक परमात्मा के नाम रूप आदि को कोई समझ ही नहीं सकते। हम भल शिव बाबा का चित्र दिखाते हैं, दिखाते हैं कि नहीं, कौन सा चित्र दिखाते हैं, हैं? हम भल शिव बाबा का चित्र दिखाते हैं, कौन सा चित्र, वही 32 किरणों वाला चित्र दिखाते हैं, परंतु कोई ऐसा है थोड़े ही, ऐसा है क्या कि कोई लिंग है उसमें बिंदु रखा है और चारों तरफ 32 किरणें निकली हुई है, ऐसा कोई है क्या, वो तो सिर्फ बिंदी है, परंतु बिंदी की पूजा कैसे करेंगे, हैं? पूजा का कनेक्शन किस बात से है, पूजा का कनेक्शन प्योरिटी से है।
कैसे पता चलेगा कि ये बिंदी प्योर है कि इम्प्योर है? बिंदी का संगठन होगा, सारे ढेर की ढेर बिंदी उसमें चिपटी हुई पड़ी होगी। वो बिंदु उस साकार में जो तुम बिंदु स्टेज में दिखाई पड़े, निराकारी निर्विकारी निरहंकारी मालूम पड़े, तब तो उसके पूजा योग्य बने। फूला जी कैसे चढ़ेंगे? कौन से फूलों की बात है? चैतन्य फूलों की बात है। तो ये भक्ति मार्ग चला आया है। जो लिंग पर फूल आदि चढ़ाते हैं, कोई बिंदु पर चढ़ा सकेंगे क्या? वो बिंदु कोई मुकर्रर रथ में प्रवेश करती है, प्रवेश करके पुरुषार्थ करती है, कराती है, और पुरुषार्थ जब संपन्न स्टेज को पहुंचता है तो आप समान बन जाती है, बाप समान, तब फूल आदि चढ़ाई जाती है। तो ये भक्ति मार्ग चला आया है। पूजा के लिए मंदिर में बिंदी तो नहीं रख सकते। अच्छा, बाबा कहते हैं किसकी बुद्धि में ये ज्ञान नहीं बैठे, फिर भी ये तो समझ सकते हो ना कि हम ब्रह्मा कुमार कुमारी है। दादा के पोत्र हैं, ऊंचे ऊंचे भगवान शिव है, गॉडफादर। उसकी रचना को तो गॉडफादर नहीं कहेंगे, हम हैं उनके पोत्र। वो कहते हैं मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूं। तुम भी जानते हो हम अभी तमो प्रधान सांवरे हैं, बाबा से सतो प्रधान गोरे बन रहे हैं, राम भी गोरा था परंतु कृष्ण से दो कला कम था, वो भी अब काला हो गया। कष्ट के लिए तो कहते ही हैं सर्प ने डसा इसलिए काला हुआ। अच्छा, वो तो सर्प के डसने से काला हो गया, फिर राम क्यों काला हो गया? राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम था, राम के लिए क्या गए, वो क्यों काला हो गया? क्या उनको इतनी भी ताकत नहीं थी जो अपनी स्त्री को बचा सके? अरे वास्तव में ऐसी कोई बातें नहीं है। तो काम जिच्छा पर चलने से काले बन जाते हैं, श्याम और सुंदर बनते हैं। अभी फिर सतोप्रदान बनने के लिए बाप को याद करना है। एक मुसाफिर कितने को हसीना बनाते हैं, विश्व का मालिक बनाते हैं। सिर्फ कहते हैं मुझे बाप को याद करो, नहीं तो वर्षा कैसे मिलेगा? विकर्म विनाश करने के लिए योग अग्नि चाहिए। घड़ी घड़ी याद करना है। कहीं समझते हैं हम बच्चे तो हैं ना, सारा दिन याद नहीं करते हैं, विकर्म विनाश नहीं होते तो खुशी का पारा कैसे चलेगा? 20-25 वर्ष वालों को भी ये बात बुद्धि में नहीं बैठती है, भूल जाते हैं। फिर पुरानी दुनिया में जाकर के तकदीर को लकीर लगा लेती, माँ बाप की गोद में आने से ही तकदीर सूट बनती है। मम्मा बाबा कहने से स्वर्ग का हकदार तो बने। प्रजा भी कहते हैं ना हमारा हिंदुस्तान सबसे ऊंचा। अरे सबसे ऊंचा होता है तो फिर कर्जा क्यों उठाते हो? इतने तुम कंगाल क्यों बनते हो जो कर्जे की भीख मांगनी पड़ती है? यहां से बहुत धन ले गए हैं, कारखानों से पैदाइश तो होती है ना। कारखाना न निकाले
तो कोई को नौकरी भी ना मिल सके, और नौकरी ना मिले तो पालना कैसे करेंगे, दुखी ही दुखी हो पड़े। इसलिए भारत के लिए कितनी युक्ति रची हुई है, बच्चों को बहुत दुख ना हो इसके लिए ये युक्ति रची है। यहाँ से कितने बाहर जाते हैं, नौकरी करते हैं, क्योंकि वहां उनको पैसे तो बहुत मिलते हैं। बाप कहते हैं हमारा तो कांटों पर भी प्यार है, सब पतितों को आकर के पावन बनाता हूं। कांटों पर भी प्यार है तो कांटों से जो फूल बनते हैं उन पर भी प्यार है। ड्रामानुसार सबको सदगति देता हूं, सबका सदगति जाता, राम ही गाया हुआ है तो साहब का प्यारा हुआ ना। उनमें कांटे भी हैं तो फूल भी हैं। कायदे उन शास्त्र की स्थापना करेंगे तो इसके लिए लायक भी बनाते हैं। कहते भी हैं पतित पावन आओ, आ करके पावन बनाओ, ऐसे थोड़े ही आओ और गा करके ज्ञान सुनाकर चले जाओ फिर हम अपने आप पावन बनते रहेंगे, नहीं। गायन ही आकर के पावन बनाओ। अभी तुम जानते हो पतित पावन बाप आया हुआ है भारत को खास और दुनिया को आम पावन बना दे, ऐसे है तब तो सर्वोदया लीडर नाम रखवाया है। ये भी अपन पर नाम ऐसे रखना है जैसे श्री से 108 लगवाते हैं, सर्वमाना सब पर। कोई भी मनुष्य तो सब की सदगति कर ही नहीं सकता है, कितने कपोड़े लगाते हैं। अच्छा बाप दादा का शिकील ने बच्चों को याद प्यार गुड मॉर्निंग। बाबा जो बहुत ज्यादा प्रश्न करते हैं उनको क्या समझा जाए, ये कोई माता ने लिख के दिया है क्या, नहीं बताएगा कोई भाई ने लिखा है। जो ज्यादा प्रश्न करते हैं उसके लिए मुरली में बोला है रावण के सिर, रावण के सिर जितने राम काटते जाते थे उतने सिर और ही जास्ती बढ़ते जाते थे। ये रावण के सिर हैं जो कभी खत्म होने वाले नहीं है। बाबा क्लास चल रहा होता है तो बाबा कुछ पूछते हैं तो जवाब देना ठीक रहता है, लेकिन जब बाबा की बीसी भी चल रही होती है उस समय क्या आपको देना चाहिए या नहीं है? उस समय जब टीवी पे चल रहा होता है तो मैं बीच में बोल रहा हूँ, प्रश्न मेरा टीवी में जवाब कौन देगा? टीवी में जो या टीवी रखी हुई है, टीवी में बीसीडी चल रही है, मुरली सुन रहे हैं आप, उस समय प्रश्न करेंगे तो कौन जवाब देगा? तो बाबा उस समय हाँ हूँ करना ठीक है, बाबा पूछे तो हाँ हूँ करो। बाबा मैं प्रश्न का ही पूछ रहा है, प्रश्न बोल रहा है मेरा। आप किससे पूछ रहे हैं जी? आप किससे पूछ रहे हैं? बाबा से भी पूछ रहे हैं। वो अपने को बाबा समझे ना, समझ नहीं सकता थोड़ी देर के लिए है जी बाबा। हो तो समझने दो ना, थोड़ा खुशी ले लेने दो। हमने कहा कि बाबा जब बोलते हैं तो हमको लगता है कि बाबा सामने बोल रहे हैं तो हम रेस्पॉन्स दे दिया करते हैं। बाबा जी उनको तकलीफ होती है, अन्य आत्माओं को डिस्टर्ब होता हो कि बार बार जोर जोर से ठहाके लगाना या वो करना तो डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए ना क्लास? अब कोई बात नहीं, छोड़ो हटाओ, छोटे छोटे बच्चे होते हैं थोड़ा थोड़ा कुछ करते रहते हैं तो उनको समझते हैं छोटा बच्चा बेटा।
शंकर का पूरा बाल खुला हुआ है, थोड़ा सा ऊपर में जुड़ा हुआ है, थोड़ा सा जोड़ा बंधा हुआ है, उसका अर्थ क्या है? बाल माने क्या है? बाल माने ज्ञान की जटाएं, कुछ जटाएं बंधी हुई हैं। क्या बाल जो हैं, जब उलझ जाते हैं, बंध जाते हैं एक दूसरे से, तो काय से चल जाए जाते हैं? पानी से। ज्ञान जल शिव बाबा दे रहा है, बाल इस समय सुलझ रहे हैं। ज्ञान गंगा उतरती है तो बाल खड़े भी हो जाते हैं, अलर्ट, गंगा को अपने में धारण करने के लिए। फिर बाल नीचे भी हैं, चारों तरफ फैले हुए हैं, कुछ बाल ऐसे हुए भी हैं जो बंधे हुए हैं। जहां बंधे हुए हैं वहां कौन सी आत्मा दिखाई गई? अष्टदेव भी दिखाए गए हैं और गंगा भी दिखाई गई। इसका मतलब ये हुआ कि खास ज्ञान देने की जो उद्देश्य है उनका, वो किसकी प्रति है? अष्टदेवों के प्रति है। क्या शंकर जी के जगह पूरा खुलेंगे कि नहीं खुलेंगे? हैं? पूरा खुलेंगी कि नहीं? क्यों नहीं खुलेंगी? और उलझी गई, ये उलझा रहे हैं कि सुलझा रहे हैं? ये जो बैठे बैठे प्रश्न पूछते हैं तो ये उलझाने में लगे हुए हैं। बताया गया जब पूरा जगह खुल जाएगा तो विनाश हो जाएगा, तो अच्छी बात है ना? डर लग रहा है क्या? नहीं बाबा, क्या है, सही बात है। और क्या, खुल जाने दो ना। क्या होता है जमजम का पानी? तो मक्का में जहाँ मुसलमान इस्लाम धर्म मुसलमान लोग जाते हैं, हाँ, वहाँ मोहम्मद साहब को पानी का रिक्वायरमेंट हुआ, जरूरत पड़ी, तो बोलता है कि ऐसा कुछ किए, एक मुट्ठी मारा, एक मुक्का मारा तो पानी निकल गया। तो लोग बहुत जल को बहुत पवित्र मानते हैं, जो हद करने जाते हैं सारे लोग जल को लेके आते हैं अपने अपने घर में, हाँ, उसको दवा की तरह इस्तेमाल करते हैं, वो सही बहुत पवित्र पान जल है। तो वो जो हज जो करने जाते हैं वो है कहाँ की यादगार? वो तो वहाँ जाते हैं मक्का मदीना में, लेकिन असली मक्का मदीना कहाँ है? हाँ, जब आखिरी प्रत्यक्षता होगी तो दुनिया के चाहे मुसलमान हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे यहूदी हो, चाहे पारसी हो, चाहे सिख हो, चाहे बौद्ध हो, सब कहाँ पहुँचेंगे? सबको माउंट आबू जाना है। वहां से जो ज्ञान जल मिलेगा उसको चाहे जमजम का पानी कह दो, कमंडल का पानी कह दो। जमजम का क्या हो? जम के पियो। अब सब ये आसमान का मतलब क्या हुआ? जब शरीर में आत्मा है तो कितने अच्छे हैं, जब शरीर छोड़ देते हैं तो घृणा क्यों आती है? उसमें से आत्मा निकल गई जो शरीर को जीवित रखती है, आत्मा है तो अच्छा है, चैतन्य है शरीर, आंखों में चमक देखने में आती है, शरीर में खून दौड़ता है, आत्मा निकल गई तो शरीर का खून कौन दौड़ाएगा? शरीर में खून दौड़ेगा नहीं तो वो तो सड़ना शुरू हो जाएगा, उसे कौन देखना पसंद करेगा? इसलिए उस शरीर को जल्दी से या तो जमीन में दबा दो या तो अग्नि में जला दो। संग करो अस्वाद का,
हाँ जी, साधु न बनो साधु बनो। वो निराकार को मानते हैं या साकार को मानते हैं? तो किसका स्वाद लेना चाहते हैं? निराकार का ही स्वाद लेना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने नाम दिया है संज्ञेय स्वाद। निराकार का स्वाद क्या हो? ये मुसलमानों से पूछो कि निराकार का स्वाद अच्छा होता है या साकार का स्वाद अच्छा होता है? साकार का अच्छा होता है। निराकारी स्टेज का स्वाद अच्छा नहीं होता है? निराकारी स्टेज में जब चले जाएंगे तो स्वाद का तो बात रहेगा। इच्छा मात्र अविद्या, ये कौन सा स्वाद है? निराकारी। हाँ जी, हीरो पाइपधारी द्वारा अति कैसे होगी? चलो, हीरो पाइपधारी द्वारा अति अंत में होगी या अभी होगी? अंत में तो अति होगी, अभी अंत तो नहीं है, अति तो नहीं है। अच्छा, मध्य है, अंत तो है लेकिन अंत का अंत नहीं है, लेकिन मध्य है, मध्य भी नहीं। अच्छा, मध्य से कुछ पहले का है? बाद का है, मध्य से थोड़ा बाद का। मध्य से थोड़े बाद का माने और आगे बढ़ गया? अरे मध्य कहाँ से हो जाएगा, अभी शुरू शुरुआत में अखबार में पढ़ा 400 मिल गई है, कितनी चाहिए? तो वो मध्य था या आदि कहेंगे? अभी अभी तो हजार भी नहीं है, 16,000 तो बहुत दूर की बात है, तो मध्य है, अभी मध्य भी नहीं है। जब मध्य हो जाएगा तो भी कान खड़े होने लगेंगे। अरे बाप रे, ऐसा तो हमने कोई साधु संत महात्मा दुनिया में नहीं किया। और जब 16,000 हो जाएंगे तो क्या कहेंगे? अरे तो आती हो गई। हजार भी नहीं हुआ बाबा है, हजार नहीं हुआ भी। अब सरेंडर तो हो गए होंगे 1,000 से ज्यादा। क्या पूछा है? अव्यक्त वाणी में आया है, ब्रह्मा ही ऐसी आत्मा है जिसका ड्रामा में माँ और बाप दोनों का पार्ट नुदा हुआ है, इसका रहस्य क्या है? कौन से ब्रह्मा का पार्ट माँ और बाप दोनों का नुदा हुआ है? बस रावण भी विद्वान था, प्रकांड विद्वान कहा जाता है। फिर उसने सीता हरण जैसा काम क्यों किया? क्यों? आज के विद्वान पंडित आचार्य ऐसे काम नहीं करते क्या? तो रावण ने भी किया, रावण उन सबका मुखिया है, इसलिए किया। हाँ जी बाबा, इसकी वाली आत्मा है, इसकी वाली आत्मा है, पढ़ाई पर। हाँ, तो आत्मिक स्थिति से नीचे लग जाता है, निजी स्थिति से नीचे गिर जाता है। कौन? इस वाली आत्मा। हाँ,
हाँ जी। और आत्मिक स्थिति से छिटकने के बाद पूजा आदि में प्रवेश करते हैं, फिर भी बाप के साकार पार्ट की तरफ बहुत दुख और सम्मान नहीं है। हैं? बिजलू की स्टेज से छिटकने के बाद उसकी वाली आत्मा हाँ? जब पूजा आदि में प्रवेश छिटकती है हाँ? तो बाप के साकार पार्ट की तरफ की सारा करती है। बाप के साकार पार्ट के प्रति साकार पार्ट की तरफ हाँ? इशारा करती है। जो इशारा करने वाली आत्मा है वो शिव की आत्मा प्रेरित करती है या वो खुद प्रेरित करते हैं? बाबा आत्मिक स्थिति आत्मा हाँ तब तो प्रेरित करेगी, इसीलिए तो शिव की याद है। अगर आत्मिक स्थिति न हो तो शिव की याद कैसे होगी? बड़ी मम्मी ने जो प्रवेश करती थी वो आत्मा हाँ फिर वो पानी नहीं करती। जब वो वाणी चलाना शुरू कर देगी फिर तो प्रत्यक्ष हो जाएगी ना। अभी अप्रत्यक्ष है, घूंघट में है या प्रत्यक्षता में है? तो घूंघट में है। बाबा मम्मा कुछ में तो क्या बाबा भी कुछ हो जाएगी है? मम्मा कुछ हो गए तो क्या बाबा भी कुछ हो जाएगी? मम्मा के लिए गुप्त होना नहीं बताया, ऐसा घूंघट में है सिर्फ इतना बताया। ये बताया मम्मा अंत तक यज्ञ में काम करेगी, ये बाबा भल गुप्त हो जाए। भल का मतलब ये नहीं है पूरा गुप्त हो जाएगा, सूर्यवंशियों के सामने प्रत्यक्ष रहेगा या सबके सामने गुप्त हो जाएगा? हाँ जी। और बाबा ओम शांति का मतलब क्या है? आओ मां शांति, ब्रह्मा बाबा को शांति है या नहीं है? हैं? ब्रह्मा बाबा की सोल को शांति है या नहीं है? हैं? नहीं है। तो उनको शांति हो जाए तो कहेंगे आओ मां शांति, ओम शांति, पूरी शांति हो जाएगी। मुख से कहने की शांति की बात है या एक दूसरे को देखने से ही शांति हो जानी चाहिए? है? एक दूसरे को देखने से ही शांति हो जानी चाहिए। जहाँ आपस में एक दूसरे में शांति नहीं होगी तो एक दूसरे को देखेंगे भी नहीं, ऐसे कर लेंगे। महाभारत में भीष्म पितामह माने हैं, भीष्म पितामह ने नियम बनाया कि एक योद्धा के साथ एक योद्धा ही लड़ेंगे, लेकिन फिर सब मिल करके अभिमन्यु का बन गया क्यों किया? चक्रव्यूह रचना में वो एक की बात है या सभी कौरवों की बात है? अरे कोई पांडवों की बात है या कौरवों की बात है? पहले पहल किसने की? पहल कौरव ने। कौरव ने पहल की, ऐसे ही है, पहल हमेशा कौरव करते हैं फिर पांडव उसका अनुसरण कर लेते हैं, वो भी नंबर वार पांडव अनुसरण करते हैं, सब नहीं करते हैं। भीम को फर्स्ट क्लास योद्धा कहेंगे या सेकंड क्लास कहेंगे? अर्जुन जैसा योद्धा कहेंगे या नंबर दो का कहेंगे? नंबर दो का है बाबा, नंबर वन गए थे हम लोग सभी नेपाल लाभा ऐसा बोल देते हैं कि जो रसिया बालक का कहानी है वो दिलवारा मंदिर के पास, तो रसिया बालक का कहानी कब आगे बताए ना, तो कहा वाला भाई सब बताए कि बाबा का पाठ है दिलवारा मंदिर के बारे में भाई बोले थे की वही रहते हैं भगवान में, वही भाई साहब बोले की बाबा का ही आदगार है, मम्मी बाबा का आदगार है, रसिया बालम का वहाँ जो जो पूजते है ना उनको, वो भी भाई साहब बता रहे थे कि सब सरस्वती का बाबा का ही सब आता है।
अब यादगार तो सब संगम युग के ही है, वो यादगार सब सही है या झूठे हैं? वो बात पूछने की बात नहीं कि सही है या झूठे हैं। यादगार जितने भी भक्ति मार्ग में बनाए गए हैं वो सब संगम युग के समझने की बातें हैं। संगम युग में जो प्रैक्टिकल में हुआ है उसका भक्ति मार्ग में यादगार बनाया गया, इन यादगारों से ही सारा ज्ञान आगे चल के प्रत्यक्ष हो जाएगा। और ये यादगार जितने भी बने हैं वो सब शास्त्रों के आधार पर बने हैं। अष्टदेव जो है उसके संस्कार अभी टकरा रहे हैं। अष्टदेव जब मिलकर के एक हो जाएंगे तो पूरी राजधानी स्थापन हो जाएगी। तो टकरा रहे हाँ जी ओम शांति।